हेलो ऑल डांसिंग डीवा, मैरी क्रिसमस 2021। तो ये वाला मेकअप लुक होने वाला है क्रिसमस पार्टी मेकअप लुक। इसको आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इवनिंग पार्टी में या लेट नाइट पार्टीज़ में। स्किन केयर रूटीन मैंने पहले ही फॉलो कर लिया है, क्लींजिंग, टर्निंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मैं यहाँ पर मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ब्रोज से, और आप ब्रोज को इस तरीके से फिल कर लीजिए। यहाँ पर मैं शुगर का पेंसिल ले रही हूँ, ब्रो डिफाइनर, इस तरीके से आप कर सकते हैं ब्रोज को फिल। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का पोर प्राइमर, और ये पीच शेड में आता है, काफ़ी अच्छा ग्लैम, एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। आप प्राइमर लगाएं तो उसको थोड़ा सा सेट होने का टाइम दीजिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ 925 सीसी क्रीम लैक्मे का। अगर आप हैवी थोड़ा सा मेकअप बेस रेडी करना चाहते हैं तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी फाउंडेशन के साथ। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी इस तरीके से, अंडर आई और आई लिड पर भी इसको सेट कर लूँगी ताकि एक बेस बन जाए मेरे आई शेडो का। उसके बाद मैं लैक्मे का ले रही हूँ लूज़ पाउडर और इसको सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन डेवलप ना हो और सरफेस एकदम स्मूथ हो फेस का। तो इस तरीके से मैं इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आई मेकअप लुक करने वाली हूँ। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर ब्राउन शेड ले रही हूँ ताकि उससे क्रीज लाइन डेवलप हो जाए इस तरीके से। उसके बाद मैं फिंगर टिप की हेल्प से एक सिल्वरी शेड लूँगी, ब्रॉन्ज शेड लेने वाली हूँ। इसको मैं लगा करके और इसको फ्लफी ब्रश की हेल्प से सेट कर लूँगी। इससे क्या होगा, एक स्मूथ और शाइनी, थोड़ा सा स्पार्कली सा लुक आएगा आइज़ का। उसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का लाइनर और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी छोटा विंग के साथ, इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। दोनों साइड आप कर सकते हैं, आप चाहिए तो आप विंग लाइनर या फिर थिक लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिक लगाने वाली नहीं हूँ। इस तरीके से आप लगा लीजिए और मैं लोअर वाटर लाइन पे मैं काजल अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे अपना एक शेड भी अप्लाई कर रही हूँ, अपने ये ब्राउनिश शेड मैं ले रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट ब्रश में, इसको लेकर के मैं लगा लूँगी। और मैंने काजल पहले ही लगा लिया है तो काफ़ी अच्छा कंप्लीट लुक लगता है आइज़ का। उसके बाद मैं लैक्मे का ही ले रही हूँ मस्कारा, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो फॉल्सीज यहाँ कर सकते हैं, बट काफ़ी सटल सा मेकअप लुक किया है मैंने यहाँ पर। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लश के लिए लिपस्टिक, और शेड नंबर है इसका, ये है पिंक ग्लैम, काफ़ी अच्छा शेड है ये। और इसको मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छा शेड है ये, एकदम नेचुरल सा लुक लिपस्टिक का है ये, आप लगा सकते हैं इसको भी, और ब्लश भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 925, उससे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ मास्टर क्रोम का मेबलिन का हाइलाइटर, और मैं इसको इनर कॉर्नर और ब्रो बोन और अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं 925 लिपस्टिक ले रही हूँ, बहुत अमेजिंग सा शेड है ये, रेड शेड है, और मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है और क्रिसमस पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है रेड और वाइट। और मैं यहाँ पे नोज पे लगा ले रही हूँ हाइलाइटर और फॉरहेड पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर ले रही हूँ, और फाइन ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने वॉच ऐड किया है, लूप्स ऐड किए हैं और क्लिप के साथ हेयर स्टाइल वेयर किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।